हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम लोग करेंगे बच्चा प्रैक्टिस सेट नंबर 30। 29 सेट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने पीछे के सेट नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सारे के सारे। संघर्ष पथ नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर चैनल पर नए हो, अगर आपको ये क्लास लाइव देखनी है तो लाइव क्लास का टाइमिंग आप नोट कर लो। ये जो क्लास चलती है इसका जो लाइव का टाइम है ये है शाम को 6 बजे, ठीक। और ये जो हमारी क्लास चल रही है इससे रिलेटेड क्वेश्चन और सोल्यूशन की पीडीएफ के लिए बच्चा एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है जिसका प्राइस है 99 रुपीज। और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये कोर्स को परचेज कर सकते हो और उसके बाद में जो इसकी पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, यूट्यूब पे सारी की सारी क्लासेस फ्री रहती हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन अगर किसी के पास में पैसे हैं, अगर वो टाइम सेव करना चाहता है तो आसानी से वो सब्सक्रिप्शन लेकर पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकता है, क्लियर। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, हल करो भाई सभी लोग। देखो क्या कह रहा है, पाइप ए एक खाली टंकी को 4.5 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी के साथ वह उसे 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए खोला जाता है जिसके बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? भाई आसान लग रहा है, बस आपको ध्यान देना है, ध्यान से कैलकुलेशन करना है। कह रहा है ए को कितना घंटा लग रहा है, 4.5 घंटा। बी को कितना घंटा लग रहा है बच्चा, 2.25 घंटा। भाई इसका डबल करोगे तो कहां पर पहुंच जाओगे, 4.5। तो मैंने टैंक की क्षमता कितनी मान ली, 4.5, तो बच्चा इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। जो पहला पाइप है इसकी क्षमता ए है, जो दूसरा पाइप है इसकी क्षमता बी है, और जो टैंक की क्षमता है वो कितनी हो गई, 4.5। अब सवाल में क्या कह रहा है, यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। पाइप ए की क्षमता कितनी है, 1। ये 1 क्षमता का मतलब 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, भाई 4.5 घंटे में 4.5 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। मतलब कितना भरेगा, 1 भरेगा। तो आधे घंटे में कितना भरेगा, भाई अगर ए को हम लोगों ने आधे घंटे के लिए चलाया है या 0.5 आवर्स कह सकते हैं, तो ये कितना भर देगा बच्चा, 0.5 भर देगा। 4.5 टोटल है और अगर 0.5 भर गया तो कितना बचा है, 4 बचा है। और अब क्या कर रहा है कि जिसके बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, पहले ए खुला था, अब क्या कर रहा है बच्चा, बी को भी खोल देता है। तो ए तो खुला ही खुला था, बी भी खुल जाएगा। ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता कितनी है, 2 है। अगर दोनों साथ में खुल जाएगा, अच्छा यहां पे बी नहीं है, यहां पे ए प्लस बी है, यहां पे क्या है बच्चा, एपी, जबकि पाइप बी के साथ, पाइप यहां पे बी अकेला नहीं है, यहां पे बी के साथ में, ए इतनी देर में भर सकता है और बी के साथ में इतनी देर में भरा जाता है, तो ये a प्लस बी है और a प्लस बी की क्षमता कितनी है, 2। कहने का मतलब दोनों मिलकर अगर भरेंगे तो दोनों मिलकर किस क्षमता से भरेंगे बच्चा, 2 क्षमता से भरेंगे। अगर 4 भरना है 2 क्षमता से भरेंगे तो कितना समय लगेगा, 4 में 2 का भाग दे तो 2 घंटा यहां पे लग जाएगा। आधा घंटा यहां पर लग चुका है और 2 घंटा यहां पर लगेगा तो कितना लगेगा, 2.5 आवर्स। लेकिन जो आपका आंसर है वो मिनट में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आधा घंटा होता है इसमें कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। तो 2 घंटा और 30 मिनट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, ये ऑप्शन। बढ़िया सवाल था, इजी भी था, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अलजेब्रा का सवाल है, x+1/x टाइप का। a+1/a का मान है बच्चा √3, तो a³+1/a³ का मान पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? अच्छा इसमें तो सीधे सीधे बस आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर a+1/a का मान दिया हुआ है बच्चा k, a+1/a का मान दिया हुआ है k, तो a³+1/a³ का मान हो जाता है बच्चा k³-3। ये सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लोगे। अगर भाई सवाल में प्लस है तो फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस, उल्टा हो जाता है। सवाल में माइनस होता है तो फॉर्मूले में प्लस, सवाल में प्लस है तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहां पे बच्चा k का मान कितना है, ये है, ये है k का मान, तो इसका क्यूब करो भाई, माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस, √3 का क्यूब करोगे तो बच्चा 3√3-3, और k का मान बच्चा कितना है, माइनस का 3√3, ठीक। अब देखो ये क्या है, माइनस का 3√3, ये बच्चा क्या हो जाएगा, प्लस का 3√3।
माइनस का 3√3 और प्लस का 3√3 मिलके क्या हो जाएगा बच्चा, सॉरी यहां पे √3 है, यहां पे क्या है √3, ये माइनस का 3√3 माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस का 3√3 और ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 0। तो भाई a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मान बच्चा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोलो बच्चा क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का सवाल है भाई, इसको हल करना है। देखो यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहां पे एक नंबर, बस दिक्कत यह है कि भाई यहां पे एक भी अंक पे दशमलव नहीं है, यहां पे एक अंक पे है, यहां पे दो अंक पे है और यहां पे तीन अंक पे है। तो जो हमारा उत्तर होगा वो तीन अंक पे दशमलव आएगा और भाई डिजिट्स ऑलमोस्ट सब में सेम दे रखी है, आखिरी की तीन डिजिट सभी में क्या दे रखी है अलग अलग दे रखी है, तो बस आखिरी की तीन डिजिट ही मैच कराओ। अगर सभी को जोड़ तो भाई क्या मिलेगा 0.295 मिलेगा, 0.29 मिलेगा, सॉरी 0.95 मिलेगा और 0.5 मिलेगा, यही तो मिलेगा। अगर हम बात करें तो जो आखिरी की डिजिट मिलेगी वो क्या मिलेगी 5 मिलेगी और भाई 5 इसमें भी नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान लो किसी एक और ऑप्शन में अगर 5 होता तो अगला डिजिट मिला लेते, 9.5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मान लो अगर 4 भी मिल जाता तो अगला डिजिट मिला देते भाई 9, 2, 11, 5, 16 और 16 एक बच्चा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो देखो 0.745 आ गया, बस आखिरी की तीन डिजिट मिला लो, पूरा पूरा हल करने की जरूरत नहीं, क्यों क्योंकि भाई चारों ऑप्शन में स्टार्ट के तीन डिजिट क्या है सब में सेम है, तो पूरा पूरा हल करने की जरूरत नहीं, हमारा सही आंसर बच्चा क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, चार्ट का सवाल है, सवाल पढ़ते हैं। यदि वर्ष 2012 में चावल की कुल खपत 200,000 टन है तब नागपुर में चावल की खपत कितनी थी, हमें किसमें बताना है बच्चा नागपुर में और हमें क्या दे रखा है टोटल, और चार्ट में अगर हम देखें तो बच्चा नागपुर हमारा यहां है, बाकी सारे शहर दिए हुए हैं लेकिन ये हमारा क्या है नागपुर, और इसका जो परसेंटेज दे रखा है बच्चा कितना दे रखा है 5%। ये जो हमारा टोटल अगर परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100%, 100% का मान सवाल के हिसाब से कितना दे रखा है बच्चा 200,000 टन और हमें किसका निकालना है 5%, तो भाई 200,000 का 5% निकाल देना है, बस 200,000 का 5% निकाल दो, 200,000 में कितने जीरो हो गए 5 जीरो हो गए और इसका 5% निकालोगे तो बटे में 100 दो जीरो हमारे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और 5 × 2 = 10 तीन जीरो पहले थे एक जीरो और बढ़ जाएगा कितने हो जाएंगे 4 जीरो 10,000 टन यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया बच्चा, 10 यहां पे भी है 10 यहां पे भी है लेकिन हमारे कितने जीरो चाहिए 4 जीरो चाहिए, यहां पे कितने जीरो हो गए 5, ये 100,000 टन हो गया तो हमें 4 जीरो चाहिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है बच्चा 2.5, तो कह रहा है कोसेक थीटा सॉरी तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया और कोसेक थीटा का मान पूछा है, कोसेक थीटा कॉट थीटा का सवाल हो या सेक थीटा और टेन थीटा का सवाल हो दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही लगता है, दोनों में अगर कोई एक चीज दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, सिर्फ एक इक्वेशन दिया और हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। क्यों देखो अगर हम बात करें तो भाई कोसेक और कॉट के लिए बताता हूं, वही चीज आप सेक और कॉट के लिए लगा सकते हो, सेक और टेन के लिए आपको यह फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो भाई अगर मैं इसको दो पार्ट में ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो बच्चा क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 1। हमेशा याद रखना दो संख्याओं का गुणनफल अगर एक के बराबर है तो एक संख्या हमेशा एक्स होगी और दूसरी संख्या हमेशा क्या होगी 1/x, तभी तो देखो भाई x और 1/x का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इसमें एक का मान हमेशा x रहेगा और दूसरे का मान क्या रहेगा 1/x रहेगा, चाहे इसका मान चाहे इसका मान, अगर इसका x है तो इसका 1/x है, अगर इसका x है तो इसका 1/x है, और सवाल में हमेशा आपको एक वैल्यू मिलेगी और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आपको मालूम चल जाएगी क्या हो जाएगी 1/x हो जाएगी। अब देखो ये है ए ये है बी, ये है ए ये है बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का मान मालूम है, ए प्लस बी का मान मालूम है, अगर ए को निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बी को निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान मालूम है 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा 5/2 लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा का मान अगर 5/2 है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 1/5/2 हो जाएगा, और ये दो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो मान है बच्चा कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या मान निकालना है बच्चा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बड़ा है कॉट थीटा छोटा है, क्यों, कॉसेक थीटा में से कॉट थीटा घटा रहे तो क्या मिल रहा है, 2/5, तो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है दोनों को जोड़ के आधा कर देने से मिल जाएगा। तो बच्चा क्या करोगे, 5/2 + 2/5 और इसका भी क्या कर दोगे आधा, 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4, 9, 29/10, 29/10 नहीं और 29/ कितना हो जाएगा 20, तो 2 से भाग दे दो, पहले 2 से भाग दोगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, और फिर 10 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 1.45, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1.45, डिजिट ही मैच करा लो भाई, 2 से भाग दोगे तो 29 में 2 से भाग दोगे तो 1.45 आएगा, 1.45 जिसमें है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगर sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है तो sec थीटा माइनस tan थीटा निकाल सकते हो। अब देखो अगर आपके पास में cosec थीटा है तो sin थीटा है, sin थीटा है तो cos थीटा है, cos थीटा है तो tan थीटा, मतलब सब निकाल सकते हो, जो भी मान पूछा जाता है सारे के सारे मान हम लोग निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 3, 3, 6, 8 से गुणा करने पर उसे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। ये एक नंबर है, इसमें किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि बच्चा पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर क्या है, बहुत बड़ा। एक तो हमारा तरीका क्या है कि इसके गुणनखंड कर दो, इनके गुणनखंड निकाल लो और जो कम बचे उसका गुणा कर दो। दूसरा शॉर्टकट मेथड देखो, मैं आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल मेथड सिखाता हूं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं उसको हर जगह यूज करना भी सिखाता हूं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि कोई भी नंबर है जिसके अंत में अगर 3 है, 7 है, 8 है, 2 है तो ये हमारे पूर्ण वर्ग नहीं होते, ये हमारे क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होते। दो को मैं ऊपर कर देता हूं ताकि सीक्वेंस सही रहे, पूर्ण वर्ग नहीं होते। कहने का मतलब ये हमारा जो संख्या है इसके अंत में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो भाई एक का गुणा करना, भाई कोई हमारा पूर्ण वर्ग है और उसमें एक का गुणा करोगे तो क्या रहेगा, पूर्ण वर्ग रहेगा। तो अगर पूर्ण वर्ग होता तो एक से गुणा कर सकते थे, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो एक से भी गुणा नहीं कर सकते। अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो भाई अगर मैं 4 की बात करूं तो ये हमारा पहले से ही क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में पूर्ण वर्ग का गुणा करोगे पूर्ण वर्ग मिलेगा, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है उसमें पूर्ण वर्ग का गुणा करोगे, जैसे भाई एक हमारा 3 है इसमें 4 का गुणा किया तो भाई ये हमें पूर्ण वर्ग मिलेगा, नहीं। लेकिन अगर एक हमारा 9 है और दूसरा हमारा 4 है, ये पूर्ण वर्ग है ये भी पूर्ण वर्ग है, तो जो नया नंबर मिलेगा ये भी हमें क्या मिलेगा, पूर्ण वर्ग ही मिलेगा। तो भाई ना हमारा 1 ऑप्शन होगा ना हमारा 4 ऑप्शन होगा। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है, 8 भी है 2 भी है। अब आप मेरे को बताओ 8 का गुणा करोगे कि 2 का गुणा करोगे। भाई अगर इसको देखोगे तो ये 2 × 4 है और ये 4 पहले से पूर्ण वर्ग है, ये 2 ही आपको पूर्ण वर्ग बनाएगा, ये 4 से तो कोई लेना ही देना नहीं, ये तो पहले से ही पूर्ण वर्ग है, इसका 2 ही काम आएगा इसको पूर्ण वर्ग बनाने में, 4 तो भाई अकेला पूर्ण वर्ग है वो बाहर हो जाएगा। जैसे यहां पे बताया भाई पूर्ण वर्ग में पूर्ण वर्ग का गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग ही रहेगा, तो ये 4 तो भाई पूर्ण वर्ग में गुणा करोगे तो पूर्ण वर्ग ही रहेगा, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो यहां पे काम क्या कर रहा है, 2। तो भाई हमसे क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी संख्या, तो भाई 4 × 2 से गुणा करने की क्या जरूरत है, भाई 2 से ही सीधे सीधे गुणा कर दो ना। अब देखो, अब हमारे पास में इसके अलावा तो कोई ऑप्शन था नहीं, अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। इस सवाल में हम लोगों ने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा सवाल को समझने का तरीका है, जो हमने पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जो हम दूसरे सवालों में लगाते हैं, अगर उसको इस सवाल में लगाओगे तो यह सवाल और भी आसान हो जाएगा। इसमें बिना कैलकुलेशन के आपका सही आंसर बच्चा कितना आ जाएगा, 2। हमें यह मालूम था कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका गुणा और इसका गुणा नहीं कर सकते। और 8 और 2 में अगर मुझे चुनना है तो भाई 8 का गुणा क्यों ही करना, क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही तो काम आने वाला है, 4 तो हमारा पूर्ण वर्ग है। अभी मैंने बताया भाई किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो 4 का गुणा करोगे पूर्ण वर्ग रहेगा, तो ये 4 तो हमारे लिए बेकार हो गया, इसका 2 यूज हो रहा है, तो भाई हमें छोटा रखना है और 2 यूज करना है तो भाई इसका गुणा कर दो ना, 8 का गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको फैक्टर करके भी करोगे तो अंत में आपको 1-2 कम मिलेगा, आपको 2 ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लंब त्रिभुजाकार प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, उसे उसकी और उसके आधार की भुजाओं का अनुपात 8:15:17 है। यदि 3 पार्श्व पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 840 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। देखो,
प्रिज्म और पिरामिड दो चीजें होती हैं। कभी भी आपको सवाल में प्रिज्म आए, अगर प्रिज्म आए तो हमेशा आपको याद रखना किससे तुलना करनी है, बेलन से। बेलन से इसकी तुलना करो, तो भाई बेलन का सारा कुछ रखो। अगर बेलन की बात करें तो बेलन का जो आयतन होता है बच्चा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर हम लोग प्रिज्म और पिरामिड की बात करते हैं तो यहां पे पूरा फॉर्मूला नहीं रहता, यहां पर हमारा बेस से डिपेंडेंट रहता है। तो ये हमारा आधार का क्षेत्रफल है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका भी जो आयतन होता है बच्चा होता है बेस एरिया इंटू हाइट। आधार भाई प्रिज्म मालूम है क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका आधार और टॉप बराबर बराबर होता है। जैसे अगर मैं ये पेन बात करूं, पेन मेरा देखो एकदम, अगर मैं ये टॉप सरफेस है जो इसका निब है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये हमारा एक्चुअल में प्रिज्म है। देखो इधर कैसा दिख रहा है आपको, त्रिभुजाकार। अगर ऐसा ही जैसा सरफेस ये है ऐसा ही अगर इधर से भी दिखे, देखो ऐसे इधर से भी ऐसा दिख रहा है और इधर से भी ऐसा दिख रहा है, दोनों तरफ से क्या एक ही जैसा दिख रहा है और ये सीधी सीधी लाइनें बढ़ रही, तो इसी को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, प्रिज्म। अगर इसी तरीके जैसे अगर आप सिलेंडर की बात करो तो सिलेंडर भी क्या है आपका, एक प्रिज्म है। बेलन क्या है, एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म का फॉर्मूला बेलन जैसा होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है ये बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अगर बेलन के पार्श्वपृष्ठ की बात करें तो बेलन का जो पार्श्वपृष्ठ होता है, बेलन का पार्श्वपृष्ठ ये होता है बच्चा 2πRh, और ये जो 2πR होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चा, परिधि बोलते हैं। तो ये क्या है, परिमाप गुणे ऊंचाई, परिधि गुणे ऊंचाई। तो भाई इसका भी जो पार्श्वपृष्ठ होता है वो क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। अगर ये चीजें आपको मालूम है तो अब भाई ये सवाल आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और इसके बाद में आपको त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा और मालूम होना चाहिए कि ये जो 8, 15, 17 ये हमारा कैसा त्रिभुज होता है, 8, 15, 17 हमारा कैसा त्रिभुज होता है। भाई प्रिज्म बना के भी दिखा देता हूं, ये P गुणे H है, कहां पे बना दूं, एक नए पेज पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये बहुत दूर चला जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग वहीं ले चलते हैं जहां हमारा सवाल है। बस एक सेकेंड बच्चा लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसी में हॉच पॉच नहीं करते हैं, हॉच पॉच करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब देखो अगर हम बात करें तो प्रिज्म हमारा अगर त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो कैसे बनेगा, ये लिखा हुआ है 8, 15, 17, 8, 15, 17 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। या मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये 2D है दिखेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूं यहां पे भी ऐसे ही बना देता हूं और आपको समझा देता हूं। अब देखो ये इससे मिला दिया है, ये इससे मिला दिया है, ये इससे मिला दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप फिगर को इमेजिन करोगे तो आपको प्रिज्म दिखाई देगा, अगर इमेजिन नहीं कर पाओगे तो प्रिज्म नहीं दिखाई देगा। ठीक, ध्यान से देखो ये हमारा क्या है, मैं अगर आपको सरफेस दिखाऊं तो मैं तीन सरफेस बनाता हूं, तीनों का कलर अलग अलग कर दूंगा, तीनों का मैं कलर अलग अलग कर दूंगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लाइट लाइट कलर रखो, चलो सबसे पहले तो मैं नीचे का कलर बनाता हूं, ये जो हमारा है नीचे का ये बेस है, ये नीचे का बेस हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, नीचे का बेस हो गया। अब इसके साथ में ऐसे देखो, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, नीचे का एक बेस हो गया। अब इस पे ये बेस है, इस पे एक ऐसे रखा हुआ है, एक इधर से रखा हुआ है, एक इधर से रखा हुआ है। तो अगर मैं इधर की बात करता हूं तो ये वाली जो सरफेस है, मैं ये देखो इसको मैं डार्क कर देता हूं ये, और जैसे इधर की सतह है वैसे पीछे की ही तरफ सतह है। और जो त्रिभुज ये है, ये हमारा क्या है, 8, 15, 17, 8, 15, 17 क्या होता है बच्चा, ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज बनाता है। इसी तरीके से यहां पे जो बनेगा ये भी क्या बनेगा बच्चा, 8, 15, 17। प्रिज्म में इधर का शीर्ष और इधर का शीर्ष कैसा रहता है बच्चा, एक जैसा रहता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ये हमारा क्या हो गया बच्चा, बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस। और 8, 15, 17 हमें भुजा नहीं दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है, लेकिन ये जो ऊंचाई है ये कौन सी ऊंचाई होगी, ये वाली। इसका मान दे रखा है बच्चा कितना है, 21 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके पार्श्वपृष्ठ का हमको क्या दे रखा है बच्चा, क्षेत्रफल दे रखा है। पार्श्वपृष्ठ का जो क्षेत्रफल दे रखा है बच्चा कितना दे रखा है, 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके जो पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चा, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चा आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई।
अगर ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है, तो बच्चा जो परिमाप हो जाएगा 15, 17, 32, 8, 40 एक्स लगा दो, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा, 8, 15, 17 एक्स, तो ये हो जाएगा 40 एक्स और गुणे में 21। परिमाप गुणे ऊंचाई, परिमाप गुणे ऊंचाई, यही हमारा क्या होता है बच्चा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। 21 चौक 84, 40x का मान 40 के बराबर है तो बच्चा x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान 1 आ जाएगा, तो कहने का मतलब यही हमारी क्या हो जाएगी भुजा, अगर ये 8 है तो ये 15 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है बच्चा, आयतन, प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का जो आयतन होता है ये होता है बच्चा बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो भाई प्रिज्म है और प्रिज्म का जो आधार है कैसा है, त्रिभुजा का, और त्रिभुज भी कैसा है समकोण, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 15 × 8 हो जाएगा। और ये जो हाइट है ये किसकी है, प्रिज्म की हाइट है, प्रिज्म की हाइट सवाल में पहले से दे रखी है बच्चा, कितनी है 21 है, तो देखो ये 15 × 8 = 120 हो गया, या इससे काट देंगे तो 4 × 15 = 60, 60 × 21, 6 × 6 = 12 और ये हो जाएगा बच्चा 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चा 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा बहुत बच्चा मैंने आपको बता रखा है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है इसमें जो एडवांस का पार्ट होता है इसमें अच्छे सवाल आते हैं, ज्योमेट्री से भी अच्छा सवाल आता है, मेंसुरेशन से भी अच्छा सवाल आ जाता है, अलजेब्रा से भी सवाल अच्छा आ जाता है और ट्रिग्नोमेट्री से भी अच्छा सवाल आ जाता है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था और बहुत आसान था, बस आपको पढ़ना होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसान है, अगर नहीं पढ़ा है तो आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इसको हल करना है 1.008 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो भाई इसको हमको भिन्न में बदलना है और ये नॉर्मल दशमलव है, इसको भिन्न में बदलना है। तो भाई देखो एक यहां पर भी है और एक सारे ऑप्शन में भी है, तो मैंने क्या बोला एक को अलग कर लो, एक को मैंने अलग कर लिया, ये हो गया 0.008, इसको भिन्न में बदल लो, इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा 1000। और आपको मालूम होना चाहिए जो 1000 होता है बच्चा ये क्या होता है 125 × 8, तो भाई अगर 8 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1+1/125। और आपको भिन्न में मालूम होना चाहिए कि भाई अगर आपको इस तरीके से लिखा है 3 सही 3/7, तो इसका मतलब होता है बच्चा 3+3/7, भाई इसको हल करो 7 × 3 = 24/7 और इसको भी हल करोगे तो 7 × 3 = 24/7। तो भाई हम लोग इसको बच्चा ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो भाई अगर ये हमारा 1+1 सही 1/125 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 सही 1/125, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1 सही 1/125। क्लियर हो गया, आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1125 रुपए में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया था, खिलौने का विक्रय मूल्य, भाई ये हमारा लागत मूल्य है, ये हानि का प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य बताना है। अगर मैं मान लो भाई क्रय मूल्य कितना है 100 और अगर 16% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा बच्चा 84 में बेचेगा। इसका मान दिया हुआ है और इसका मान निकालना है, भाई जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान रखा उसे क्या कर दिया बच्चा गुणा कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चा ये 5, 2, 7, 2, 9 हमारा इसका डीएस बच्चा कितना बनेगा, इसका डीएस बनेगा 9। तो भाई हमारे सवाल का अगर डीएस 9 है तो हमारे उत्तर का भी डीएस कितना होना चाहिए 9। ये देखो ये कितना बनना है 3, ये देखो कितना बनना है 6 और ये देखो कितना बनना है 9 और ये देखो कितना बनना है 1। तो भाई हमारे आंसर का डीएस कितना होना चाहिए 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वैसे इतना बहुत कठिन नहीं है, इसको आप हल भी कर सकते थे, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 945। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, एक नंबर है, फिर एक अंक पे दशमलव है, फिर दो अंक पे दशमलव है, फिर तीन अंक पे दशमलव। अगर इस सवाल में भी देखोगे तो स्टार्ट के तीन अंक हमारे क्या है सेम है, स्टार्ट के तीन अंक हमारे क्या है सेम है, तो भाई आखिरी के तीन डिजिट मिला लो, आखिरी के बस तीन डिजिट मिला लो, आखिरी के तीन डिजिट मिला लो या डिजिटल सम निकाल लो, 4, 4, 8, 1, 9 आखिरी का डिजिटल सम, 4, 3, 7, 1, 8 आखिरी का डिजिटल सम, 8 और 7। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन है तो दिक्कत हो सकती है, चलो भाई क्या करते हैं कि आखिरी के तीन डिजिट ही निकाल लेते हैं, ये हमारा जुड़ने वाला है और ये हमारा घटने वाला, तो घटने वाले में सभी में दशमलव दशमलव है, तो भाई सबसे पहले दशमलव को जोड़ लो, ये हो जाएगा 396, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा बच्चा 6, तो ये आ जाएगा 6,
9, 6, 15, 3, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो 0.956, ये तो भाई इसमें आएगा भाई, यहां पर कोई भी नंबर दशमलव में नहीं है, लेकिन इन सबका टोटल करोगे तो अंत में कितना मिलेगा 0.956। अगर इसमें से इसको घटाओगे तो बच्चा क्या होगा 1.000 और इसमें से बच्चा क्या घटेगा 0.956, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4, यहां पे 9, 9 में से 5 गया कितना आ जाएगा 4, आखिरी के दो डिजिट 4 होने चाहिए, और यहां पे 9, 9 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 0, तो भाई हमारा जो सही आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। अगर हम लोगों ने डिजिटल सम से किया होता तो भाई हमको दिक्कत हो जाती, क्यों, क्योंकि इसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम क्या कर जाता, मैच कर जाता, फिर हम बता ना पाते, फिर से हमको यही प्रोसेस करना पड़ता। अच्छा हुआ हम लोगों ने डिजिटल सम नहीं लगाया, हम लोगों ने जोड़ वाला प्रोसेस लगा दिया, हमारा टाइम क्या हो गया सेव। अगर हमने डिजिटल सम लगाया होता तो 2-4 सेकंड हमारा एक्स्ट्रा नुकसान ही हो गया होता, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 12 व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है 6, 17, 8, 9, 16, 10, 15, 21, 9, 11, 12 और 16। फाइंड द मीडियन, माध्यिका ज्ञात करनी है। बच्चा माध्यिका के लिए हमेशा याद रखना, जो माध्यिका होती है ये हमेशा बीच वाला पद होता है। अगर बीच में एक पद है तो बीच वाला पद हमारी माध्यिका होगी, अगर बीच में दो पद होता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वो हमारी क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नंबर होते हैं ये बढ़ते हुए क्रम में लिखने होते हैं। तो सबसे पहले तो ये निकालो कितने नंबर है, 4, 4, 8, 3, 11, 1, 12। अगर विषम होता है तो बीच में एक नंबर आते हैं, और सम होता है तो बीच में दो नंबर आते हैं। अगर 12 है तो बीच में दो नंबर आएंगे, कौन सा आएगा, एक छठा आएगा और एक सातवां। अगर भाई जैसे 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो बीच में भाई 4 का आधा 2 और उससे एक बढ़ा के दूसरा और तीसरा। अगर मान लो 6 है तो तीसरा और चौथा, तो भाई आधा करो और एक जोड़ दो, तो छठा और सातवां। तो भाई हमको नंबर पूरे 12 नहीं अरेंज करने हैं, हमको सिर्फ 7 नंबर अरेंज करने हैं। छोटे से स्टार्ट करो और 7 नंबर अरेंज करो, जो छठा और सातवां नंबर है वही हमारा उत्तर है। ठीक, सबसे छोटा नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मुझे दिख रहा है पहला ही नंबर 6, 6 से छोटा कोई नंबर नहीं है, नहीं 6 पहले लिख लिया, 6 के बाद में अगर मैं देखूं तो 7 नहीं है, उसके बाद में मुझे क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो 6 के बाद में मेरा 8 हो गया, 8 के बाद में कोई 8 नहीं है, 8 के बाद में मुझे 9 दिख रहा है। लेकिन बच्चा 9 कितनी बार दिख रहा है, 9 आपको दिख रहा है 2 बार, यहां पे भी 9 है यहां पे भी 9 है, तो 9 को कितनी बार ले लेंगे 2 बार। 9 के बाद में 10, 10 हमें कितनी बार दिख रहा है, एक बार दिख रहा है, तो 10 भी ले लिया भाई, यहां पे क्या आ गया 10 आ गया। 11 दिख रहा है बच्चा, 11 ले लिया, 11 आ गया। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा आ गया। एक और चाहिए, 11 के बाद में अगर आप देखोगे तो 12 पे एक ही नंबर है, तो 11 हो गया, 12 हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। तो भाई दो नंबर है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 11 और 12 को जोड़ के आधा करोगे तो 11 और 12 के बीच में मिलेगा 11.5, ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कभी भी दो संख्याओं को जोड़ के आधा करोगे तो हमेशा उसके बीच में नंबर मिलेगा, 11 और 12 के बीच का नंबर कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, बड़ा सवाल है, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको। एक व्यक्ति ने कुल 3,70,000 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया और उन्हें क्रमशः 4%, 5% और 6% के साधारण ब्याज प्रदान करने वाले 3 बैंकों में जमा किया। एक वर्ष के अंत में सभी तीनों बैंकों से प्राप्त ब्याज समान है, उसने उन 3 बैंकों में कितना जमा किया है। देखो बच्चा कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है कि कोई उसके पास में पैसा है, उसको 3 भागों में बांट दिया। मान लेते हैं भाई पहला भाग हमारा कितना है ए, दूसरा भाग हमारा कितना है बी, तीसरा भाग हमारा कितना है सी। कह रहा पहले भाग पे 4% का ब्याज मिलता है, दूसरे भाग पे 5% का ब्याज मिलता है, तीसरे भाग पे 6% का ब्याज मिलता है, लेकिन जो ब्याज है एक साल के अंत में वो क्या है बराबर। भाई पहले पे कितना ब्याज मिलेगा 4% का, दूसरे पे कितना ब्याज मिलेगा 5% का, तीसरे पे कितना ब्याज मिलेगा 6% का। तो भाई इसका 6%, इसका 5% और इसका 4% आपस में क्या है बराबर है, इस तरीके से ये तीनों को मैंने क्या कर दिया बराबर। इससे मुझे क्या मिलेगा, ए बी और सी का अनुपात मिलेगा। अगर ए बी सी का अनुपात मिल जाएगा तो भाई 3 संख्याओं का अनुपात मालूम है, 3 संख्याओं का टोटल मालूम है, तो तीनों संख्या आसानी से निकाल देते हैं। भाई अगर परसेंटेज यहां पर भी है तो परसेंटेज यहां पर भी है, परसेंटेज यहां पर भी, भाई रेशियो में सेम ही संख्या का गुणा और सेम ही संख्या का भाग दे सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है बटा 1/100, तो भाई सब में 100 से गुणा कर दिया तो परसेंटेज क्या हो गया, हट गया। अब देखो अगर आपको इस तरीके से कभी भी लिखा हुआ मिले तो
तो भाई उसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि ए के नीचे कुछ आ जाए, बी के नीचे कुछ आ जाए और सी के नीचे कुछ आ जाए। तो ए के नीचे जो संख्या है, बी के नीचे जो संख्या है, सी के नीचे जो संख्या है, अगर मैं अनुपात निकालूंगा ए बी सी तो यही हमारा क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है। लेकिन यहां पे नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जब भी ऊपर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्याएं दे रखी हैं इनका एलसीएम से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर 6, 6 × 5 = 30 और 30 में भाग नहीं जाएगा 60, 60 से भाग चला जाएगा भाई सब में, देखो 60 से भाग चला जाएगा, 60 का भाग यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 60 से यहां पे भी भाग दे दिया, 60 से यहां पे भी भाग दे दिया और 60 से यहां पे भी भाग दे दिया। तो यहां पे देखो बच्चा कितना आ जाएगा 15, यहां पे देखो बच्चा कितना आ जाएगा 12 और यहां पे देखो बच्चा कितना आ जाएगा 10। तो ए के नीचे 15, बी के नीचे 12 और सी के नीचे 10 है। तो अगर मैं ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 15 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 10। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 15 12 27 और 10 कितना हो गया 37, टोटल कितना हो गया 37। लेकिन 37 का मान सवाल में कितना दे रखा है बच्चा, इतना 37 का मान 37 के बराबर, 1 का मान 1 के बराबर, मतलब सिर्फ 15 के आगे 0, 12 के आगे 0, 10 के आगे 0, 15 के आगे 0, 12 के आगे 0, 10 के आगे 0, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 0 मतलब कितने 0 वो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई, हमें मालूम चल गया 15 12 और 1 आएगा, 15 12 10 आएगा, तो 15 12 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा, वो है ए ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। क्या कह रहा है कि भाई यदि 8 sec स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर x का मान 11 है और x 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो भैया x का मान बताओ। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, x का मान भाई 30 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, 90, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा तरीका है बेसिक तरीके से सॉल्व कर लो। जब भी हमारा ऐसा बनता है कि इसमें द्विघात समीकरण बनता है, क्वाड्रेटिक बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन से हल करते हैं। लेकिन भाई यहां पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी स्क्वायर है तो बच्चा ये एक ही बार में हल हो जाएगा, इसको सीधे सीधे हल कर दो। सेक को टेन में बदल सकते हैं, टेन को सेक में बदल सकते हैं, तो चाहे जिसको जिसमें बदल लो। और एक चीज अगर आपको और याद हो तो आपको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का जो टेन स्क्वायर एक्स होता है किसके बराबर होता है 1। अगर मैं यहां पर 7 का गुणा कर दूं तो भाई 7 sec² x - 7 tan² x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा भाई, इधर भी 7 का गुणा उधर भी 7 का गुणा। तो भाई यहां पे 7 तो दिख रहा है लेकिन यहां पे 7 यहां पे कितना है 8, तो इसको बच्चा ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 1 + 7 और ये 7 वाला इसके साथ मिलके इसका पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा 7 और ये जो 1 वाला है ये क्या हो जाएगा बच जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 7 sec स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर और इस टोटल का मान कितना दे रखा है 11 के बराबर। ये 7 उधर चला जाएगा तो बच्चा sec स्क्वायर x का मान कितना आ जाएगा 4, sec स्क्वायर x का मान अगर बच्चा 4 आ गया तो यहां से sec x का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल ले लो 2 आ जाएगा और sec x का मान 2 कब होता है जब बच्चा sec पे कितना होता है 60। भाई अगर sec नहीं याद रहता तो cos याद रखो, अगर sec का मान 2 है तो cos का मान कितना हो जाएगा 1/2 और cos का मान 1/2 कब होता है जब थीटा कितना होता है बच्चा 60 डिग्री, तो कोण का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन से भी रख रख के चेक कर सकते थे जिस ऑप्शन पे भी हमारा आंसर मिल जाए। इसके लिए भी भाई आपको सारी वैल्यू चाहे ऐसे करोगे चाहे ऐसे, दोनों के इसके लिए आपको वैल्यूज मालूम होना चाहिए, 30 60 90 45 पे तो बेसिक वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो इनलेट पाइप जिसमें से एक दूसरे से 2 गुनी दक्षता का है, साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। भाई 3 पाइप हो गए, 1 2 3, ऐसे ना लिखो ऐसे लिखो 1 2 3, कह रहा है दो इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से 2 गुना दक्षता का है, अगर एक की क्षमता 1 है तो दूसरे की क्षमता कितनी है 2 है, और कह रहा है कि जो तीसरा है ये क्या करता है खाली करने वाला है और 10 घंटे में खाली कर देता है। तीनों पाइप जब एक साथ खुले हो तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, 1 + 2 + 3, जब तीनों एक साथ लगे होते हैं तो कितना समय लगता है बच्चा 2.5 घंटा लगता है। कम दक्षता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, कम दक्षता वाले भाई, कम दक्षता वाले पानी मतलब ये जो पाइप एक है इससे कितनी देर में भर जाएगा ये हमको बताना है। भाई ये अभी अनुपात है, ये एग्जैक्ट दक्षता नहीं है, पता चले यहां से आपने निकाल लिया टैंक की क्षमता और ये दक्षता यूज कर ली, ये अलग है और ये अलग है, तो दोनों को पहले तो हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, भाई हमें यहां पे टाइम दे रखा है और ये मालूम है भाई इसके पहाड़े में 2.5 का 2 गुना 5, 5 का 2 गुना कितना होगा 10,
तो हमने टैंक की क्षमता कितनी मान ली, 10 मान ली, तो भाई तीसरे वाले की क्षमता कितनी आ जाएगी, तीसरे वाले की क्षमता आ जाएगी 1। अभी ये जो क्षमता है ये अलग है, ये अलग है, इसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं, ये बाद में यूज होगा। तीसरे की क्षमता मान लो कितनी आ गई 1, तो भाई यहां पर तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, भाई 10 में 2.5 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 1, 2, 3 की टोटल क्षमता कितनी है, 4, और ये भरने वाला है लेकिन ये खाली करने वाला है, ये कितना है बच्चा, -1। कहने का मतलब इन तीनों में जो 3 है इसका मान कितना है, -1, और इन तीनों का मान कितना है, 4। भाई तीनों मिलकर 4 भर रहे हैं लेकिन ये तीसरा क्या कर रहा है, 1 खाली कर रहा है, तो भाई ये दोनों मिलकर कितना भर रहे होंगे, 5 भर रहे होंगे, तभी तो 5 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे का जो टोटल है बच्चा कितना है, 5। अब देखो टोटल हमारा यहां से कितना बनना है, 3 बनना है, यहां पे 5 और यहां पे टोटल 3। कहने का मतलब इस टोटल 3 का मान किसके बराबर है बच्चा, 5 के बराबर है। भाई इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 2 है, टोटल कितनी हो गई, 3। ये एक रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है, इसका मान कितना है बच्चा, 5। 3 और 5 को बराबर करके रेशियो मैनेज कर सकते हो, या मैंने बोला 3 रेशियो का मान 5 रेशियो के बराबर है, तो यहां से 1 रेशियो का मान निकालो बच्चा कितना आ जाएगा, 5/3। भाई 3 का मान 5 के बराबर, तो 1 का मान 5/3 के बराबर। कहने का मतलब इसकी क्षमता हो जाएगी बच्चा 5/3 और इसका डबल कितना हो जाएगा बच्चा, 10/3। अब ये हमारी एग्जैक्ट क्षमता है, अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 5/3 और इसकी कितनी है बच्चा, 10/3। भाई 1 और 2 है ना, इसकी 2 गुनी क्षमता ये होगी। अब मैं क्या कह रहा, कम दक्षता वाला, कम दक्षता वाला कौन है, ये इतनी क्षमता से इतना भरने में, ये एक्चुअल मैंने माना है, इस क्या कह रहा है, इतना भरने में इतनी क्षमता से कितना समय लगेगा, कितना भरना है, इतना क्षमता कितनी, इतनी कितना टाइम लगेगा, 5 × 2 = 10 और ये ऊपर चला जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा, 6, और ये घंटे हैं कि दिन, 6 घंटे, यही हमारा क्या हो जाएगा। यहां पे 3 और 5 को आप बराबर कर सकते थे, इसमें क्या कर देते, 5 का गुणा तो ये 10 हो जाता, ये 5 हो जाता, यहां पे 3 का गुणा करते तो ये 15 हो जाता, ये 3 हो जाता, ये 3 होता तो ये 30 हो जाता और ये 20 हो जाता, ऐसे भी आप, सॉरी 12 हो जाता, ये ऐसे भी आप कर सकते थे, यहां पे 5 का गुणा कर देते मतलब इस रेशियो में और इस पूरे रेशियो में 3 का, तो भी आपका आंसर क्या आता, वही आता उसी तरीके से। क्या आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की शिक्षा पर खर्च करता है, वह वरुण की शिक्षा पर 13,006 रुपए खर्च करता है जो कि शिक्षा पर उसके कुल खर्च का 2/3 भाग है, अरुण का कुल वेतन कितना है। देखो बच्चा क्या कह रहा है, एक बार कह रहा है कि वेतन का इतना भाग तरुण और वरुण की शिक्षा पर खर्च किया, मतलब कुल का इतना भाग शिक्षा पर खर्च किया और शिक्षा का इतना भाग, शिक्षा का किसका, शिक्षा पर इतना भाग, शिक्षा का इतना भाग किस पे खर्च कर दिया, वरुण की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो कह रहा है अरुण का कुल वेतन कितना है, अरुण है, 2 बच्चे हैं तरुण और वरुण, कितने सारे ऋण है ये इसी में दिख रहा है भाई, अरुण तरुण वरुण सारे वरुण यहीं पे, ठीक है। चलो भाई एक बार बच्चे में बटे में 13 आ रहा है और एक बार बटे में 3 आ रहा है, तो भाई पहले से ही भाई फ्रैक्शन को हम ऐसा लेते हैं, नंबर को ऐसा लेते हैं कि 13 और 3 दोनों कट जाए, तो 13 × 3 हमने मान ली कि जो अरुण की कुल आय बच्चा कितनी है, 39 है, अरुण की कुल आय कितनी है, 39 है। अब क्या कह रहा है, इसका 2/13 भाग किस पे खर्च करता है, शिक्षा पे खर्च करता है, तो इसका बच्चा 2/13 × 39 3 दुना कितना हो गया, 6, बाकी कहीं और खर्च करता होगा, अगर 6 यहां खर्च किया है तो बच्चा होगा कितना है, 33 कहीं और खर्च किया होगा, कोई लेना देना नहीं, जरूरत ही नहीं, सवाल में कहीं उसका यूज ही नहीं। फिर क्या कह रहा है कि जो शिक्षा का है इसका भी, सॉरी यहां पे 2/13 यहां पे 2/13 था, कह रहा है जो शिक्षा पर उसके कुल खर्च का 2/3 भाग है और ये खर्च किस पे करता है, वरुण पे, शिक्षा का 2/3, शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, इतना, इसका 2/3 निकालेंगे, देखो 3 × 2 = 6, 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 4, ये किस पे करता है बच्चा, वरुण पे करता है, और सवाल में कह रहा है कि वरुण पे कुल कितना खर्च कर रहा है, इसी का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, इसी का मान, 4 का मान दे रखा है बच्चा, कितना है, इतना है, और क्या कह रहा है, अरुण का कुल वेतन, अरुण का कुल वेतन कितना है, इतना है, इसका मान दिया, इसका मान निकालना है, तो बच्चा जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो हमारा आंसर निकालना है, अगर मैं बात करूं हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट पहले तो ये देख लो भाई दशमलव आएगा कि नहीं, देखो यहां पे तो दशमलव आएगा, यहां पे अगर 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, आखिरी के 2 डिजिट में अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो भाग जा रहा है, नहीं,
दो से भाग जाएगा, हाँ भाग जाएगा। अगर दो से भाग जा रहा है तो दो से भाग नहीं जा रहा है, अगर दो से भाग दोगे तो अंत में क्या मिल जाएगा, दशमलव में एक डिजिट का नंबर मिल जाएगा। तो भाई आपका ये आंसर नहीं आएगा और ये आंसर नहीं आएगा, दशमलव में आंसर आएगा ये हमको पक्का हो गया। अब दशमलव में या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। इसके बाद डीएस चेक कर लो, डीएस निकल जाएगा। भाई पहले आंसर का डीएस निकाल लो, 4 3 7 2 9 8 1 9 7 5 12 का मतलब कितना हो गया है 3 6 3 9 8 8 16 5 21 का मतलब कितना हो गया है 3। भाई आंसर में दोनों का डीएस 3 आ रहा है तो भाई सवाल का डीएस निकालने की जरूरत नहीं। अब भाई अगर हमारा डीएस नहीं लगेगा, यूनिट डिजिट लगाने मत चले जाना भाई, यूनिट डिजिट में भी देख रहे हो आखिरी के तीन डिजिट से हमें यूनिट डिजिट से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमारे पास में एक और ऑप्शन बच गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की जो वैल्यू है वो बहुत दूर दूर है, ये 126 है और ये 134 है, तो हाँ अप्रोक्सीमेशन से लगभग लगभग मान से हल हो सकता है। अच्छा इसको अगर देखो लगभग लगभग हल करना है तो भाई इस नंबर को पकड़ो, इससे थोड़ा सा आसानी से हल हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं बच्चा, कितना कर दूं, 40 कर दूं। अगर मैंने इसको 40 कर दिया है तो भाई जो भी हमारा उत्तर आएगा वो सही उत्तर से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैंने अंश को बढ़ाया है तो मेरा उत्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो अगर मैं 40 में 4 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहने का मतलब जो मेरा उत्तर आ जाएगा बच्चा कितना आ जाएगा, 130 के आसपास में आ जाएगा। और ये 130 क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, मतलब हमें उत्तर क्या रखना है, 130 से कम रखना है। भाई ये तो तब है ना जब अंश को मैंने बढ़ा दिया, अंश को बढ़ा दिया तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये मेरी बड़ी वैल्यू, कहने का मतलब मेरा उत्तर इससे क्या आ जाएगा, छोटा। अगर इन दोनों में देखो तो 130 से छोटा कौन सा है, ये वाला भाई 130 से छोटा नहीं है, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो भाई हर तरीका आपको आना चाहिए। अगर इसी सवाल को आप देखो, अगर आपको इसको हल भी करना है तो भाई कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा बच्चा ये सवाल, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो अप्रोक्सीमेशन, डीएस, यूनिट डिजिट, हर चीज आपको आनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्फूर्ति ने जूतों की एक जोड़ी 17% के लाभ के साथ 2223 रुपए में बेची, जूतों की जोड़ी का क्रय मूल्य। देखो भाई सीधा सीधा है, क्या कह रहा है, लाभ पर बेच रहा है। मान लो क्रय मूल्य बच्चा कितना है, 100 रुपए, कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है बच्चा, 17% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेच देगा बच्चा, 117 में बेच देगा। इसी का मान दे रखा है भाई, लाभ में इतने में बेचता है और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। इसका मान दिया, इसका मान निकालना, जिसका मान निकालना उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उसे क्या कर दिया बच्चा, गुणा कर दिया। अब देखो बच्चा यहां पे 7 2 9 है, डीएस लगाने में दिक्कत हो जाएगी, यूनिट डिजिट से आ सकता है। यहां पे आपको क्या मिलेगा भाई, ये हमारा उत्तर है एक्स, इसके बराबर है। यहां पे इकाई का अंक 3 और क्या मिलेगा, 00। इस 117 को अगर मैं इधर गुणा करूं तो भाई हमें क्या मिलना चाहिए, 3 और 00 मिलना चाहिए। एक्स का मान क्या हो जाए भाई, देखो ये तो आंसर आएगा नहीं, ये आंसर आएगा नहीं और ये भी आंसर नहीं आएगा। क्यों भाई, 7 है, 7 का गुणा करोगे तो 10, यहां पे भी गुणा करोगे तो 10, यहां पे गुणा करोगे तो 0 ही नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए बच्चा, 20 कम से कम चाहिए, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। भाई यूनिट डिजिट से भी हमारा आंसर आ गया, अगर आप डीएस निकालोगे या भाग देके निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। भाग देके निकालोगे तो पहले 9 से भाग दे दो, 13 9 117, 9 से भाग दे दो, 9 2 18, 4 5 42, 9 4 36, 6 5 9 7 63, 13 से काटो, 13 1 13, 11 5 13 9, देखो 19 आ गया, ये हमारा क्या आंसर। तो भाई कई सारे तरीके हैं, फिर से वही यूनिट डिजिट, डीएस, अप्रोक्सीमेशन या कैलकुलेशन, मतलब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो नवंबर 2017 में रेस्तरा द्वारा अर्जित कुल राजस्व 35 लाख है, ये हमारा कोई रेस्तरा का एक पाई चार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कुल अर्जित राजस्व 35 लाख है। आगे क्या पूछ रहा है, 2017 में अन्य सभी बैंक किए हुए वस्तुओं का बिक्री पर रेस्तरा एक्स वाई जेड द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया था, एक्स वाई जेड द्वारा अन्य सभी, अच्छा बैंक नहीं, बेक किए हुए, मेरे को लगा बैंक किए हुए, बेक किए हुए, बेक किए हुए का मतलब बेग्ड, बेग्ड का मतलब कहां पर है, यहां पर है, अदर बेग्ड आइटम। कह रहा है अगर टोटल हमारा 35 है तो बेक किए हुए वस्तुओं की बिक्री पर रेस्तरा का कुल कितना है, कितना राजस्व है, तो भाई बेग्ड का कितना है बच्चा, 15% है, तो कुल का 15% राजस्व किससे मिलता है, बेग्ड, बेग्ड का मतलब जानते हो, जो बंद होता है, जो टोस्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेग्ड, जो आपका पिज्जा होता है, ये सब बेग्ड आइटम होते हैं, ठीक, जो मतलब आग में जलाकर भून दिए जाते हैं, भुने हुए समझ सकते हो, ठीक। तो भाई 15%
35 का 15% निकालो, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 15 75 75, 15 3 45, 45 और 7 जोड़ दोगे बच्चा कितना आ जाएगा, 52/100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5.25 लाख, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। सवाल का सही आंसर बच्चा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनिमा और मासूका, दिल पे बिजली गिरी है। मिनिना और मासूका एक साथ 9 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं, मासूका अकेले काम करना शुरू कर देती है और काम को 2/5 भाग पूरा कर लेती है, तब मिनिमा अकेले काम पूरा करती है, इस तरह इसे पूरा होने में 19.5 दिन लगते हैं, अगर मासूका मिनिमा की तुलना में अधिक तेजी से काम करती है तो अकेले कार्य को पूरा करने में मिनिमा को कितने दिन लगेंगे। बच्चा बड़े ध्यान से समझना, इस तरीके का सवाल कल मैंने कराया था और मैंने बोला था इस तरीके का सवाल मैं और भी लूंगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस तरीके के सवालों पर और अच्छी हो जाए, और मैंने एक फिक्स तरीका बताया, मैंने बोला है कि इसी तरीके से आपको आंसर निकालना है तभी आप जल्दी आंसर पर पहुंच सकते हो। हालांकि ये सवाल का बहुत ज्यादा शॉर्टकट मेथड नहीं, बहुत ज्यादा शॉर्टकट बनाना भी इम्पॉसिबल है, कोई मतलब इसमें कई तरीके के सवाल बनते हैं जिसमें आधा आधा होता है उसका तो हम और भी छोटा शॉर्टकट बना लेते हैं, लेकिन जिसमें इस तरीके का 2/5 और 3/5 आएगा तो उसका शॉर्टकट बनाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई हर सवाल के लिए एक ही तरीका समझो, वही आपके लिए आसान है, और आधा आधा रहेगा तो एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो एक है भाई मिनिना और एक है मासूका। अच्छा, ऐसे सवालों में एक और बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, उससे भी कई बार आपका आंसर आसानी से आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, अगर मैं कोई काम 10 दिन में करता हूं और ये आदमी भी काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में, अगर ये दोनों लोग मिलकर करेंगे तो भाई कितना दिन लगता है, 5 दिन लगता है। दो आदमी अगर बराबर बराबर क्षमता वाले हैं तो भाई जितना पहले आदमी को लगेगा उतना ही दूसरे आदमी को लगेगा, और दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 5 दिन। लेकिन अगर दोनों की क्षमता अलग अलग हो जाए, अगर मैं कहूं कि 2 आदमी मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं और दोनों की क्षमता अलग अलग है, अगर दोनों की क्षमता अलग अलग है तो एक भाई 10 से ज्यादा रहेगा और दूसरा आदमी हमेशा क्या रहेगा, 10 से कम रहेगा। एक को 10 से ज्यादा दिन लगेंगे अकेले अगर काम करेगा और एक को 10 से कम लगेंगे। दो आदमी एक साथ 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, एक ज्यादा दक्ष है तो उसको ज्यादा समय लगेगा, सॉरी कम समय लगेगा, और जो कम दक्ष है उसको ज्यादा समय लगेगा। ये भी कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बना के रखना। देखो अब सवाल में क्या कह रहा है, मिनिना और मासूका एक साथ कितने दिन में काम करते हैं, ये दोनों लोग मिलकर एक साथ काम कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 9 दिन में। कहने का मतलब अगर बराबर बराबर क्षमता होती तो इसकी भी क्षमता कितनी होती, 18, और इसकी भी क्षमता कितनी होती, सॉरी ये कितने दिन में काम कर देती है, 18 दिन में, और ये भी कितने काम दिन में काम कर देती है बच्चा, 18 दिन में, अगर दोनों की क्षमता क्या होती, बराबर होती। सबसे आखिरी लाइन में लिखा होता है अगर मासूका मिनिना की तुलना में अधिक तेजी से काम करती है, मासूका अधिक तेजी से काम करती है तो इसको 18 से कम समय लगेगा, मतलब मिनिना को 18 से ज्यादा समय लगेगा। ठीक, तो अकेले कार्य को पूरा करने में मिनिना को कितने दिन लगेंगे, भाई मिनिना के दिन बताने, मिनिना कितना दिन लगी, 18 से ज्यादा। तो भाई देखो ये सारे के सारे आंसर क्या, 18 से ज्यादा। मान लो भाई इसी सवाल में हमारे पास में 3 ऑप्शन ऐसे होते जो 18 से कम होते, एक ऑप्शन ऐसा होता जो 18 से ज्यादा होता, तो भाई 3 ऑप्शन को हम ऐसे ही काट देते, जो 18 से ज्यादा होता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ग्रुप डी एग्जाम में कई सारे सवाल इस पैटर्न पे आए थे और कुछ सवाल के ऑप्शन ऐसे सेट थे कि भाई ये मेथड लगाने से ही हमको क्या मिल जा रहा था, ऑप्शन मिल जा रहा था। तो भाई सबसे पहले ये मेथड आपको दिमाग में सोचना है, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, तुरंत कॉन्सेप्ट से आप पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 9। कल मैंने क्लास में बताया था और मैंने बताया था कि इसको याद रखना, अगर मान लो भाई ये ए दिन में काम करती है ये बी दिन में काम करती है तो दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ए बी अपॉन ए प्लस बी दिन में काम करेंगे, और इसका मान बच्चा किसके बराबर है, 9 के बराबर। अब देखो अब क्या कह रहा है कि मासूका अकेले काम को करना शुरू कर देती है और काम का 2/5 भाग करती है, मासूका, मासूका के कितने दिन है, 20। पूरा काम करने में 20 दिन लगता है तो आधा काम करने में आधा दिन और 2/5 काम करने में कितना दिन लगेगा, 2/5 दिन लगेगा। भाई जितना काम करेगी उतना दिन लगेगा, तो 2/5 भाग, 2/5 भाग काम कर रही तो टाइम का भी 2/5 भाग इसको क्या लगेगा, टाइम।
कहने का मतलब मासुका ने 2/3 भाग किया है, सॉरी 2/5 किया है, तो कितना समय लिया होगा? इतना समय लिया होगा। अब 2/5 पूरा हो गया तो कितना बचा हुआ है? 3/5 बचा हुआ है। और ये 3/5 कौन कर रहा है? ये बाकी बचा हुआ काम कौन कर रहा है? 2/5 भाग पूरा कर लेती तब मिनिना अकेले काम को पूरा करती है। अब इसके बाद मासुका नहीं है, कौन करेगी? मिनिना। मिनिना कितना काम करेगी? 3/5। टोटल अगर ए समय लेती है तो 3/5 करने में कितना समय लगेगी? 3/5। और ये किसके बराबर है बच्चा? ये हमारा बराबर है, कह रहा है कि जो टोटल समय है किसके बराबर है? 19.5 के बराबर। अब देखो यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, 5 से गुणा कर दो तो देखो बच्चा क्या बन जाएगा? 3a + 2b कमान, 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 45 × 2 = 47, 5 × 5 = 9, 97.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 97.5। अब ए हमारा मिनिना का दिन है और बी हमारा क्या है? मासुका का दिन। हमें अंत में क्या निकालना है? मिनिना को कितने दिन लगेंगे, मतलब हमें किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। कहने का मतलब जो भी हमारा उत्तर दे रखा है ए का मान दे रखा है। अब देखो आपके पास में 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन पकड़े, कौन सा ऑप्शन हमको आसानी से हल देगा और कौन सा ऑप्शन हमें मुश्किल से हल देगा। तो सबसे पहले इजी इजी ऑप्शन पकड़ो। जैसे अगर मैं बात करूं 25 और 24, ये इजी है, इसको चेक करना आसान रहेगा, ये हमें तुरंत बता देगा कि या तो ये आंसर है या तो ये आंसर नहीं है। अगर मैं ए को 25 रखता हूं तो बच्चा ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो भाई अगर मैं इसमें से 75 घटा देता हूं, 75 अगर मैं घटा दूंगा तो बच्चा क्या आ जाएगा? यहां पर 0.5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। भाई 3a का मान 75, 75 घटा दिया तो 2b का मान कितना हो गया? इतना। तो अगर मैं b की बात करूं तो b का मान बच्चा कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 2 से भाग दे दोगे तो नीचे ये लिखता हूं, b का मान बच्चा कितना हो जाएगा? 11.25 हो जाएगा। अब अगर a का मान हमको मालूम है इतना, b का मान मालूम है हमको इतना है, तो ab/a+b का मान कितना आना चाहिए? 9। ए का मान बच्चा कितना है? 25। बी का मान कितना है? 11.25। और इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको? 25 और 11.25 को, 25 और 11.25 को जोड़ेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा? 26.25। हमें देखना है कि इसका मान बच्चा किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर होना चाहिए। तो भाई यहां से दशमलव हट जाएगा। अगर मैं 25 से भाग दूं तो 25 × 25 = 12, 25 × 25 = 125। अब ये 15 से कटेगा तो भाई कितनी बार कटेगा? 9 बार कटना चाहिए, लेकिन 15 से कट रहा है तो 9 बार तो कट नहीं रहा है। भाई 15 से कटेगा तो 9 बार कट रहा है? नहीं, 25 × 25 = 12, 25 × 25 = 125। तो भाई ये 9 बार तो जा ही नहीं रहा है, ये भाई 9 बार नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी? 25, अच्छा यहाँ पे 36 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, वही मैं कहूँ। अब यहां पे देखो 25 × 25 कितना बच गया है बच्चा? 36 था, 11 बच गया है, 112 हो गया है, तो 25 × 4 = 100 हो जाएगा और 25 × 5 = 145। क्या 9 बार पूरा पूरा जा रहा है? 14 × 9 = 126 होता है, 14 × 9 कितना होता है? 126। तो भाई 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अगर ये हमारा आंसर नहीं है, इसी तरीके से अगर आप 24 को देखोगे तो ये 72 हो जाएगा, फिर यहां पर क्या आएगा? 2 अंक पे दशमलव आएगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये 24 नहीं होगा, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, 24 भी नहीं होगा। तो भाई इसमें से बाकी कोई ऑप्शन मैं चेक करता हूं, इन दोनों में से मैं बाकी कोई ऑप्शन चेक करता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक का अगर दशमलव है तो दूसरे का दशमलव में ना ही आए तो ज्यादा सही है। एक का अगर दशमलव में आ रहा है तो दूसरे का दशमलव में ना आए तो कैलकुलेशन हमारा क्या रहेगा? आसान रहेगा। हालांकि बहुत कैलकुलेटिव है, इतना कैलकुलेटिव अगर आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, हम वो लाइन रखते हैं जो हमारे पास में है। अब इसमें जो आसान वैल्यू है मैं उसको ले लेता हूं, 22.5 को ले लेता हूं। अगर a का मान 22.5 है तो 3a का मान कितना हो जाएगा? भाई 3 से गुणा करो, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 = 7 और 3 × 2 = 67.5। हाँ, अब ये थोड़ा थोड़ा मेरे को लग भी रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर 97.5 है, यहां पर 67.5 है। अब मैं अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो बच्चा देखो कितना आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 3 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन भी लग रहा है, 30.0 आ गया। ये किसका माना गया बच्चा? 2b का माना गया। तो b का मान कितना आ जाएगा? भाई 2 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब a का मान कितना है? 22.5। b का मान बच्चा कितना है? 15। अब हमको क्या देखना है? ab/a+b का मान 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई, एक हो गया 15 और एक हो गया 22.5। और अगर मैं
ए प्लस बी करता हूं तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 22 और 15 कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अब देखो बच्चा ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 25 से काट दो 25 नवैया कितना होता है 225 होता है, और 25 यहां पे कट जाएगा, 25 से 25 कितना बचा 12, 25 25 कितना हो गया 125, और 15 से ये 15 कट जाएगा, देखो बच्चा कितना आ गया 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो सवाल है, इस सवाल का जो कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगर इतना ज्यादा कैलकुलेशन एग्जाम में आता है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर कोई इस तरीके का सवाल आता है जिसमें इतना कैलकुलेशन हो, तो हमेशा बच्चा ऐसे सवाल को लास्ट में करना। अगर आप इस सवाल को पहले करोगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का कोई भी सवाल है, आपको लगे कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इसको हमेशा अंत में करना, जब आपको मालूम है हाँ मेरे 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो गए, अब मेरे को टेंशन नहीं, मेरा सिलेक्शन तो पक्का हो गया है, अब भैया हम इसको हल कर लेते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इस पर और भी प्रैक्टिस करेंगे, इस पर मैं और भी सवाल आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपका और भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। निम्न को सरल कीजिए, 1-1/10, 1-1/11, 1-1/12, भाई 1 में से 1 घटाओगे 0, 0 में भाई कुछ भी भाग दो, 0 गुणे 0 गुणे 0, ये भी 0 ये भी 0, भाई 0 में 0 का गुणा करोगे क्या आएगा 0, 0 में से 0 को घटाओगे क्या आएगा 0, अंत में हमारा पूरा का पूरा उत्तर क्या हो गया 0। भाई सब कुछ 0 है, लेकिन भैया कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर ऊपर 0 है और ऊपर 0 का जो मान है वो एग्जैक्ट 0 है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो 0 आता है, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा या 0 का भी गुणा करोगे तो क्या 0 आता है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर 0 में 0 का गुणा नहीं होता, बच्चा 0 में 0 का भी गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, टेंशन नहीं है, 0 में इनफाइनाइट का गुणा नहीं होता। ठीक, क्लियर हो गया, ये नहीं होता, ये दिक्कत देता है, इनफाइनाइट वाले में दिक्कत होता है, जीरो वाले में, और बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, बटे में जीरो हमारा अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट भी अनडिफाइंड होता है। ठीक, 9.25 प्रतिवर्ष साधारण व्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किए गए 2000 रुपए की राशि पर ब्याज कितना मिलेगा, दर हमको दे रखी है, समय दे रखा है, और हमको क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, और हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ये तो आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फॉर्मूला लगा दोगे तो भी आसानी से आ जाएगा। वैसे ये मालूम होना चाहिए कि भाई इतना ब्याज एक साल में, तो 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 4 का गुणा करो, 4 9 36 और 25 4 100 कितना हो जाएगा बच्चा 37% हो जाएगा। 4 साल में 37% मिलेगा, तो बच्चा 2000 का क्या निकाल लो, 37% निकाल लो, 2000 × 37/100, तो 37 दोना बच्चा कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14 × 2 = 6 = 7, 740 रुपए, यही हमारा क्या जाएगा आंसर, 740 रुपए ब्याज मिलेगा कितने साल में बच्चा, 4 साल। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ, नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 बढ़ गए, प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। चलो भाई देखो कैसे करते हैं, 7 छात्रों के समूहों ने एक परीक्षा दी है, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया, भाई 7 हमारे पास में पहले थे, एक और आ गया, तो मतलब ये कौन सा हो गया बच्चा, 8वां हो गया। कह रहा है 7 छात्रों का कुछ औसत होगा, इसके आ जाने से औसत हमारा क्या हो गया बच्चा, 2 बढ़ गया। तो कह रहा है कि ये जो 8वां छात्र है, प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, हमको क्या बताना है कि ये वाले आदमी ने इससे कितने अधिक नंबर प्राप्त किए। अच्छा देखो बच्चा डिविजन लगा देंगे, यहां पे कितना कम है बच्चा, 2 कम है, टोटल डिविजन कितने का गया बच्चा, 1 पे 2 का है, तो 7 पे कितना हो गया, 14 हो गया। अगर यहां पे -14 का डिविजन है, तो बच्चा यहां पे क्या हो जाएगा, +14 का डिविजन। कहने का मतलब ये जो 8वीं संख्या है, कुल के विचलन से बच्चा क्या है, 14 ज्यादा है, कुल के विचलन से क्या है, 14 ज्यादा है। कहने का मतलब ये जो 8वां है, औसत में 14 जोड़ दो, औसत में 14 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, x+16 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि बच्चा ये वाला नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है, ये वाला नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है बच्चा, 16 ज्यादा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको टोटल सम मेथड से भी कर सकते थे, बट विचलन से करोगे क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चों आज के लिए बस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, तो बस आज के लिए बस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।
अगर बच्चा चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो हमारी क्लास चलती है, इस क्लास का जो टाइम है ये शाम को 6 बजे डेली लाइव रहता है। आप शाम को 6 बजे रहोगे तो लाइव देख पाओगे, अगर लाइव नहीं देखते तो बाद में रिकॉर्डेड भी रहेगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, संघर्ष पथ के नाम से रहेगा। और ये जो हमारी क्लास चल रही है इसका क्वेश्चन और सोल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसका प्राइस है बच्चा 99 रुपीज, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? तो आज के लिए भाई यहीं पे रखते हैं और अपनी क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, और अगली क्लास हम लोग करेंगे बच्चा मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना सभी। ओके, चलो बाय बाय।